हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो की हाल चाल। और अभी बज रहे हैं ना सुबह के 12, मतलब दिन के 12, और मुझे हिचकी चल रही है। पता नहीं कौन याद कर रहा होगा, कर रहा होगा कोई अपना वाला याद, और कौन कर सकता है। और अभी इमांशु भी आए घर पे, जो कि यहाँ लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं और पिक्चर देखे जा रहे हैं, जो कि आ रही है वंडर वुमेन। इस समय 1997 नहीं यार, पहले की वो नई वाली नहीं है, पुरानी वाली। और अभी तक ना मैं नहाया भी नहीं हूँ, 12:30 बज रही है और मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। तो पहले फटाफट नहा लेता हूँ, क्योंकि हिमांशु जा रहे हैं रिगल सैमसंग स्टोर पे, मुझे भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि भैया को शायद मोबाइल वोबाइल लेना है, कब से ले ही नहीं पा रहे थे। अब देखते हैं, अगर आज मिल जाए तो आज भी घूम के आ जाएंगे, नहीं मोबाइल मिला तो घूम फिर के आ जाएंगे, क्या कर सकते हैं। तो मोबाइल लेने आते हैं, अभी पहले नहा लेता हूँ फटाफट से। और इसकी पे इसकी चले जा रही है यार, मुझे तो बहुत। तो बारिश चालू हो गई है खतरनाक वाली, मतलब देख लो घर तक पूरा पानी आ गया, अंदर तक पूरा खतरनाक वाली बारिश चालू हो गई यार। तो अभी कैंसिल हो गया फिलहाल, तो जाना बाद में देखेंगे जब पानी बंद होगा। तब शाम के 5 बज गए, फिर मैं रेडी हो गया हूँ बाहर जाने के लिए। रिगल जाना था हमको, भैया को और मेरे को रिगल जाना था, क्योंकि भैया को मोबाइल लेना था, तो सैमसंग का स्टोर पर जाना था रिगल साइड में, लेकिन हम जा ही नहीं पा रहे क्योंकि पानी इतना आ जा रहा है। पहले पानी बंद था, हमने जाने का प्लान किया था सुबह, मतलब पानी थोड़ा सा बंद था, तो हमने कहा था चले जाएंगे, पता नहीं था ना कि पानी बाद में इतना आ जाएगा। सुबह से पानी गिरे जा रहा है, भैया तो घर से लगा है कि हम नहीं जाते, लेकिन थोड़ी देर पहले फिर पानी थोड़ा सा बंद हुआ, तो हमने कहा कि चलो अब चलते हैं। लेकिन फिर से मैं रेडी हुआ और भैया को फ़ोन लगाया, इतनी देर में तो फिर से पानी तय हो गया, सुबह से पानी गिरे जा रहा है। और अब तो 5 बज गए, अब तो मतलब भी नहीं जाने का, फ़ायदा ही नहीं कुछ रहेगा। अब देखते कब तक पानी बंद होता है। बाकी आज पूरा मूड ख़राब हो गया, आज पानी के चक्कर में पूरा मूड ख़राब हो गया पानी के चक्कर में। तो मेरी गली की ना स्ट्रीट लाइट बंद थी ना, तो मैंने कंप्लेंट भी करी थी उसकी। तो अभी देखो बारिश आ रही है, पानी आ रहा, पानी में खड़ो होकर अभी भैया आए हैं चेंज करने के लिए, क्योंकि मैंने 311 एप्लीकेशन पे कंप्लेंट गई थी, तो कंप्लेंट से हो गई थी। तो अभी फिलहाल तो चेंज कर रहे लाइट, क्योंकि ना रात को ना बहुत प्रॉब्लम होती, और अभी तो 3-4 दिन से लाइट पूरी बंद है गली में, पूरी अंधेरे रहता है। हालांकि मजा आ गया तो है गली में रात में, बाकी LED वाली नहीं लग रही ना यार। ठीक है, अभी इसमें काम चला लेते हैं, बाकी चुनाव वगैरह होंगे ना तो उसके बाद में हम इसको कंप्लेंट करेंगे कि इसमें LED लगवा, ट्यूबलाइट से ही काम चला लेते फिलहाल तो। तो हमारे यहाँ की लाइट बंद होने का कारण ये है कि इसमें घोंसला बना हुआ है, इसमें फिलहाल तो अभी बदल रही है यहाँ पे ट्यूबलाइट, जो कि पुरानी निकाल दी है, वो नीचे पड़ी हुई है, और नई वाली जो है वो लगा रहे हैं, रहेगा ना उजाला हो जाएगा पूरी गली में। और एक जो लाइट है ना वो वाली देखो, उसका मुँह तो उधर की तरफ है, पता नहीं उधर किसको उजाला दे रही है, नीचे होना चाहिए रोड पे, तो उसका वो लाइट तो एकदम उधर सामने वाली बिल्डिंग पे जाता है, नीचे तो आता ही नहीं है, तो उसको भी सही कराएंगे, जहाँ तक अगर हो जाए तो सही करा देंगे। क्या आपने बोला नहीं हुई? नहीं, अभी बाबू है ना फाइल एक्सपोर्ट कर रहा है एडिट करके, लेकिन हो नहीं पा रही क्योंकि मेमोरी फुल हो गई। तो अभी तो फिलहाल में चल रही है यहाँ पर मूवीज़ ओके पर, नहीं मूवीज़ नाउ पर, द डार्केस्ट आवर जो देख रहे हैं हम सब, अच्छी लग रही पिक्चर हॉलीवुड की है। और हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे आए हैं मामा के, जो कि खेल रहे हैं, छोटों यहाँ सोया हुआ है, जो कि अभी तक नहाया नहीं है ये, अभी बारिश का मौसम है ना इसलिए ये नहाया नहीं है। जा बारिश में नहा ले जा। क्या हुआ, तूने बॉल फेंकी नहीं, लेके जा उठ के लेके आ, तुझे तेरी बॉल लेके आ जा। तो हो गई, और हमारे यहाँ हमारा बाबू छोटा वाला जो कि बहुत मस्ती कर रहा है, गिर जाएगा। हेलो हेलो, और समोसे वाले भैया घूम रहे हैं हमारे, हमने समोसे लिए थे, रोज आते हैं भैया समोसे देने के लिए गली में, पूरे गली में घूमते हैं। बारिश तो खतरनाक आ रही है, बम्बू देखो कितना खतरनाक गिर रहा है वाला, ये कहीं बंद नहीं होता, ये ऐसे ही गिरते रहता है, मतलब पानी बंद हो जाएगा ना उसके भी 1 घंटे तक ऐसे ही गिरते रहेगा ये बम्बू। क्या होगा देखो, थक गया तो खेल खेल के है, क्या खा रहा, पराठा खा रहा है, काहे का आलू का पराठा खा रहा है, किन्ने दिया, मम्मी बना रही है आलू के पराठे, ये रखा आलू का मसाला, और ये बन रहे हैं हमारे पराठे गर्मा गर्म, क्योंकि अभी मौसम बारिश का हो रहा है, पराठे खाने का मजा ही क्या अलग आएगा। और ये रखा है हमारे गोल्डी बाबा का अचार, वैसे डब्बा सोन पपड़ी का है लेकिन इसमें अचार भरा हुआ है। तो अभी मामा चले गए घर उनके, और है ना अभी शाम के 7 बज रहे हैं, और पानी ना अभी थोड़ा सा ही कम हुआ है, मतलब अभी हल्का हल्का सा आ रहा है बिल्कुल, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं फिर वापस आ सकता है, क्योंकि दिन भर से आ रहा ना। अभी देखता हूँ मैं बाहर जाने की, क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं कहीं, आ सकते हैं बाहर कहीं पे, लेकिन अभी कुछ भरोसा कह नहीं सकते ना पानी कब तक बंद है, आ भी जाए क्योंकि दिन भर से आ रहा है। मेरे आलू के पराठे आ गए, तो ये आलू के पराठे अचार है और सॉस है, तो फटाफट से पहले खा लेता हूँ। मम्मी ने ना आज है ना जल्दी डिनर बना लिया है, तो फटाफट जल्दी खा लेता हूँ मैं पहले खाना, उसके बाद में फिर हिमांश भाई को फोन लगाऊंगा मैं, कभी बोल दे वो कि हाँ बाहर घूम के आ सकते हैं या जो भी काम है वो करके आ सकते हैं, तो भी पहले खाना खा लेता हूँ फिर फोन लगाऊंगा उनको, फिर देखते हैं जाने का क्या है क्या नहीं। और अभी ना मैं आया हूँ, आपको पीछे आवाज आ रही होगी मंत्रों की, तो मैं अभी मंदिर आया हूँ दर्शन करने के लिए भगवान के, अभी मंदिर में चल रही है अंदर पूजा,
तो पंडित जी वगैरह जो है वो मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, तो फटाफट से दर्शन कर लेते हैं, दो तीन मंदिर ना दर्शन वगैरह कर लेते हैं। आरती तो हो चुकी है लेकिन हम दर्शन कर लेते हैं, थोड़ा लेट हो गया नहीं तो आ जाते आती समय पे। तो आज शिव जी का जो श्रृंगार है वो तो बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ है, बहुत ही देखो शानदार हो रहा है ना, प्यारा लग रहा है, मतलब हर जगह हरियाली हरियाली कर दी बाबा के, मतलब श्रृंगार इतना शानदार कर रखा हुआ है ना, इसकी कोई सीमा ही नहीं। और हमारे नंदी जी भी सजे हुए यहाँ पर, नंदी जी को पूरा सजा के रखा हुआ है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। पूरे केले के पत्ते श्रृंगार कर रखा है, पूरे केले के पत्ते लगे हैं वहाँ पर, और नीचे पूरे केले के पत्ते लगा रखे, और पीछे वाले भगवान जी को भी मतलब एकदम श्रृंगार करके रखा उन सबका, वो सभी कर रखा है यहाँ पर। तो वाले मंदिर में दर्शन कर लिए, जहाँ पर भोलेनाथ जी है, शिव जी वहाँ दर्शन कर लिए हैं, और एक याले मंदिर में आया हूँ मैं, ये वाले मंदिर में ये राधा कृष्ण का मंदिर है, मतलब कृष्ण और राम का मंदिर है, ये बाल स्वरूप है ये, तो उनका मंदिर तो यहाँ भी दर्शन कर लेता हूँ। और अभी हनुमान जी का जो मंदिर था वहाँ दर्शन तो कर लिए है, दोनों जगह हो गए दर्शन वहाँ पे, बस यहाँ के बाकी यहाँ पे कर लेते, बाकी ना क्या सजा है आज तो। अभी ना सावन का महीना चल रहा है ना, तो डेली इतना इतना मतलब अच्छा श्रृंगार होता है, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही श्रृंगार खतरनाक हुआ है, मतलब जबरदस्त श्रृंगार हुआ है, इसकी कोई सीमा ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं, इतना अच्छा श्रृंगार लगा मुझे तो। ये बहुत मतलब पंडित जी है ना बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे, मतलब जितने भी पंडित जी हैं सारे मेहनत करते हैं, कल भी इतना प्यारा हुआ था श्रृंगार, और आज भी आज तो मतलब सुपर से भी ऊपर है। अभी ना मैं घर चले गया था, और घर जाके मैं मम्मी और निकिता को दोनों को लेके आया, पहले मैं अकेला आया था, लेकिन भगवान का श्रृंगार देखा ना मैंने, घर गया, घर जाके मम्मी को कहा मैंने कि एक बार ना आप भी दर्शन करके आओ, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं भगवान, अल्टीमेट लग रहे हैं। तो मम्मी और निकिता को दोनों को साथ में लेके आया हूँ मैं, मम्मी फिलहाल तो और निकिता दोनों अंदर दर्शन करने गए हैं। मेरे पीछे जस्ट जो ये हॉल है ना, यहाँ पर कल के दिन 1,25,000 शिवलिंगों की पूजा होगी, जो कि मट्टी से बनाएंगे, तो यहाँ पर सारी लेडीज वगैरह आएगी, और इसमें मैंने ना निकिता का भी नाम और मम्मी का भी नाम लिखा दिया यहाँ पर, तो वो भी आ जाएंगे कल के दिन, सुबह 8 बजे आना है, और लेकिन मैं अभी आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए। नाम तो मैंने पहले लिखा रखे थे, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ कार्ड मिल रहा है, ताकि उससे ही एंट्री मिलेगी अंदर की साइड में, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की साइड, दिखाता हूँ कैसा है पूरा। और अभी ना यहाँ पे एक अंकल बैठे थे, लेकिन अभी है नहीं वो, क्योंकि वही नाम लिख रहे थे और वही कार्ड दे रहे थे। रजिस्टर से मम्मी का नाम लिखा है मैंने पहले अभी आला, इसके पहले जो अंदर के साइड में निकिता का नाम लिखा हुआ है, और ये कार्ड है जिसमें पूरा चीज़ लिखी हुई है कि क्या क्या लगेगा इसमें पूजा में। इसमें एक वार्निंग भी दी रखी है, मास्क लगाना अनिवार्य है, तो ये तो सही बात है कि मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी पब्लिक रहेगी ना, 1,25,000 शिवलिंग बनेंगे तो कितनी पब्लिक होगी, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। अंदर की साइड पूरा दिखाऊँ ना, तो अभी फिलहाल के लिए पूरी टेबल लगी है, इस टेबल पर पूरी पूजा होगी भगवान की, शिवलिंगों की पूरी पूजा इस टेबल पर होगी, और यहाँ सब लेडीज वगैरह बैठ जाएगी, और ये पूरा स्टेज सामने बना हुआ है, और ये पूरा देखो यहाँ पर कितनी सारी टेबल लगी हुई है, और देखो वहाँ सामने पंडित जी वगैरह बैठेंगे, जो मेन पंडित जी है वो बैठेंगे वहाँ पर, वो पूरा बताते रहेंगे इस। तो फाइनली गली में आज लाइट चालू हो गई है, और ये देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब हम है ना मतलब रात में ही व्लॉगिंग कर पाएंगे, क्योंकि पहले अंधेरा हो गया था, वो पहले कम भी लाइट थी, लेकिन आज और एक इसमें मिस्टेक है बताया, मैंने अभी गौर करा, वो ट्यूबलाइट वाली लगी है इसमें स्ट्रीट लाइट, लेकिन जो चार डंडे होते हैं ना उसमें तीन ही चल रहे हैं, अभी भी तीन ही चल रहे हैं, मतलब इसको सुधरा के मतलब ही नहीं रहा, वो तो बंद हो गई थी इसलिए बदलानी पड़ी नहीं, तो वो दो में चली रही थी, बस ये कि उजाला नहीं आ रहा था, लेकिन अब थोड़ा अच्छा उजाला हो गया। बाकी एलईडी का बोला था, बाकी उन्हें लगा ही नहीं हमको एलईडी, वो बोले थे कि एलईडी बाद में लगाएंगे ऐसा वैसा, तो एलईडी लगाई नहीं उन्होंने अभी, तो ठीक है। बाकी हमारा काम तो हो गया ना, मस्त तरीके से व्लॉगिंग हो रही है, अब चकाचक वाला उजाला आ रहा, अब तो घर तक भी उजाला आ रहा, वहाँ तक वो घर तक पूरा अच्छा उजाला आ रहा, तो वहाँ अच्छा दिख जाएगा फेस, मतलब इतना ब्राइट नहीं आगे फिर भी ठीक है, दिख जाएगा, काम चल जाएगा हमारा। तो बज रहे हैं अभी रात के 11, टीवी पे पिक्चर आ रही है विजय द मास्टर, जो कि बहुत ही अच्छी पिक्चर लगती है मेरे को, तो अभी आ रही है तो देख रहे हैं, और हमारी फिश वगैरह भी मस्त तरीके तैर रही है। जब भी यहाँ आके बैठते हैं ना, मतलब कोई भी, मैं बैठ जाऊँ, मम्मी आके बैठे, कोई भी आके बैठता है ना यहाँ पे, तो सारी की सारी मछलियाँ ना मतलब यहाँ पर आ जाती है आगे की साइड तैर के, इस साइड में आ जाती, इनको ऐसा वहम होता है कि हम खाना देंगे, बाकी ऐसा नहीं है, हम सिर्फ इनको 24 घंटे में एक बार देते, मतलब सिर्फ सुबह फीड करते, ऐसे बार बार नहीं करते, क्योंकि ओवर फीडिंग हो जाएगी तो इनका पेट खराब हो जाएगा, तो फिर मर भी सकती है, मतलब इनका कुछ की नहीं सकते ना, एक तो पानी में रहती है, इनको इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते, डॉग वगैरह होता तो उसको एक बार तक इंजेक्शन लगा दवाई दे देते, बाकी ये तो पानी में है ना, इनको हाथ भी नहीं लगा, पानी से बाहर निकालें तो मर जाएगी, तो बस यही है। और अभी ना 11 बज रही है, तो मैं भी ना बस वीडियो को एडिट वगैरह करूँगा, तो फिर इसको अपलोड वगैरह पे भी लगानी है, इसलिए मैं इस वीडियो को करता हूँ यहाँ पर एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।